पहली बात तो तुमने अगर टाइटल देखा होगा तो सोच रहे होगे पहली बार तो टाइटल देखा हो, कई लोग तो ऐसे ही घुस जाते हैं बिना टाइटल देखे। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, दैट टू इज़ लाइक यू नो थोड़ी सी खुशी की बात फॉर मी कि तुम इतना ट्रस्ट करते हो कि यू जस्ट जंप इन द वीडियो द मोमेंट आई पोस्ट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ सपोर्ट। बट या अगर तुमने टाइटल पढ़ा होगा, तुमने देखा होगा कि उसमें मैंने पार्ट वन लिखा हुआ है। तो पार्ट वन का मतलब है ये नहीं कि मैं इस बुक के बारे में तीन बारे में बताऊंगा, आई विल जस्ट टेल यू इट टेल इट ऑल टू यू इन जस्ट वन पार्ट। बट वो लोग जो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, आगे चल के स्टार्ट करेंगे तो या तो एक महीने बाद या तो सिक्स वीक्स के मतलब यू नो पहले एग्जाम के, तो ऐसे स्टेजेस पर कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस ला के आप अपने लिए बेस्ट केस सिनेरियो बना सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में कोशिश करूँगा कि वीडियो बना पाऊँ। बट आई वुड सजेस्ट कि उसके भरोसे मत रहना, अभी जो वीडियो है दो महीने के लिए इसे फॉलो करो, क्योंकि आपका एग्जाम है 18th of June को एंड अभी आपके पास उसके हिसाब से 2 months है। तो उन 2 months में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ये बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहली बात कि सिर्फ अरिहंत की बुक से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सबने बोला होगा आपको, मैंने खुद बोला होगा एट टाइम्स कि अरिहंत की बुक इज इनफ, अरिहंत की बुक इज इनफ, अरिहंत की बुक इज इनफ। मैंने बोला होगा, मतलब यूट्यूब पर आपको जितने भी यूट्यूबर्स देखते होंगे रिलेटेड टू NCHMCT JEE सब ये बताएंगे आपको कि अरिहंत की बुक इज इनफ। इवन अगर आप किसी स्टूडेंट ने जिसने ऑल इंडिया रैंक अच्छी लाई हो उनसे पूछो कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, तो दे विल से कि उन्होंने अरिहंत की बुक लगाई, बट दैट इज़ नॉट जस्ट इनफ। ठीक है, कई बार बातों बातों में ऊपर 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 की बातों में ये अंदर की बात रह जाती है, नीचे की बात रह जाती है जो दबी हुई होती है, कि बुक से ज़्यादा रिलेटेड बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक मॉक टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज ये बात बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, हज़ार बार ये बात बोलूँगा जब तक NCHMCT हो नहीं जाता तुम्हारा, कि मॉक टेस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस बुक दैट इज राइट हेयर इन माई हैंड। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट, फिर आती है ये बुक। इसमें आप जो भी पढ़ोगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आता हो आपको, अगर आपको इन लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं है कि एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे डील करना है क्वेश्चन पेपर के साथ, तो आप एक्चुअली उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जिस तरह का आप खुद से चाहते हो, जिस तरह के आपके ड्रीम्स हैं। तो मॉक टेस्ट एंड देन दिस बुक। ठीक है, तो बिफोर यू बिगिन द प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट, ठीक है, अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। नंबर वन, कि बिफोर यू बिगिन दिस वीडियो आई वुड सजेस्ट कि आप एक मॉक टेस्ट लो। ठीक है, मॉक टेस्ट लेके देखो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, तो इफ़ यू स्कोर एनी वेयर बिटवीन यू नो मतलब अगर आप 150 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करते हो, यू आर डूइंग गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट। आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मॉक टेस्ट कौन सी साइट से लगाना है अगर आपके लोग पूछोगे कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसके बारे में जिसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर कमेंट में पूछते तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करके आंसर दे दूँ। ठीक है, टू यू नो सेव द मैक्सिमम एफर्ट। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि मॉक टेस्ट लगाओ प्रिपरेशन शुरू करने के पहले, एंड देखो कि आप लाए कहाँ करते हो, आप खड़े कहाँ पर हो इस समय, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर खड़ी है, आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो वंस यू आर डन विद योर मॉक टेस्ट, आपका स्कोर आ गया 150 के ऊपर या फिर 100 के ऊपर भी आ रहा है, तो इट्स नॉट एट ऑल अ बैड स्कोर। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसके साथ भी, और अपना जो भी आपको स्कोर चाहिए, जो भी कॉलेज चाहिए, उसे मिस आउट नहीं करोगे, बहुत आराम से अपना कॉलेज अचीव करते हो। तो बट द थिंग इज कि परसिवरेंस और हार्डवर्क आपको चाहिए होगा, बट आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये बात हो गई मॉक टेस्ट की। ठीक है, अब मॉक टेस्ट लगाने के लिए मॉक टेस्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट को किस तरह से यू नो अप्रोच करना है, एग्जाम में किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, ये सब मैंने बताया इस वीडियो में। या तो इस तरह या फिर इस तरह कहीं पर आएगा कार्ड, उस पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। एंड प्लीज़ देखना वो वीडियो, मुझे लगता है कि मेरी पर्सनली आज तक की वो सबसे अच्छी वीडियो थी जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है किसी भी एस्पायरेंट के लिए, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जाके। एंड रही बात मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट का मैंने बताया कि आपको किस तरह से लगा के अपना स्कोर देखना है, एंड उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी प्रिपरेशन में कितना टाइम चाहिए। अगर आप 150 प्लस स्कोर करें तो आपको एक महीने का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपको 2 महीने चाहिए। ठीक है, तो फिर अब आते हैं कि अब इस बुक के साथ प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो यार, 4 सेक्शन 5 सेक्शन रहेंगे डेफिनेटली, जितने एग्जाम में होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GS एंड सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि GK आप सबसे लास्ट में पढ़ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, GK सबसे लास्ट में पढ़ना, एंड GK में क्या पढ़ना वो भी उसी वीडियो में बताया जब तुम्हें सजेशन मिल जाएगी ऊपर। ठीक है, GK पढ़ लेना सबसे लास्ट में। सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करोगे इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, कभी कभी आपने इंग्लिश पढ़ ली, कभी कभी मैथ्स पढ़ ली, कभी कभी रीजनिंग पढ़ ली। इंग्लिश का चैप्टर 1 है स्पॉटिंग एरर्स, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी कसर मत छोड़ो, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई करो इसकी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करो, एंड बुक में से ही आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन हैं उनके ही बेसिस पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि चैप्टर 1 इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
ठीक है, एंड उसके बेसिस पर उसमें जो आप ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ोगे उनके उन पे एम्फेसिस दोगे तो आप समझ जाओगे कि बाकी सारे चैप्टर्स करने हैं उनमें काफ़ी आप काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के ऊपर कॉन्टेंट बना सकूँ कि कैसे आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आप सपोर्ट करो वीडियोज़ को, मैं डेफिनेटली और कॉन्टेंट लाता रहूँगा। तो लाइक करो वीडियो को अगर आप चाहते हो कि ऐसे कॉन्टेंट मैं बनाऊँ जिसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज दूँ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से एक एक चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, इन डिटेल वीडियोज चाहिए, तो सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में, हेल्प करो एंड आई डेफिनेटली मेक दीज थिंग्स फॉर यू। सेकेंड इज, अब इसके बाद काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कर सकते हो, जैसे कि रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद से आपका जाता है काफ़ी हद तक आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपकी वोकैबुलरी पर बेस्ड होते हैं। आप तुम सोच रहे हो वोकैबुलरी क्या होता है भैया, तो वोकैबुलरी होती है आपकी वर्ड्स की जो नॉलेज है, आपके आपको कितने वर्ड्स की मीनिंग पता है, ये होती है आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपकी हेल्प करती है आपकी लैंग्वेज को इन्हांस करने में, आप जो बोलते हो जो लिखते हो उन्हें अच्छा अपीलिंग बनाने में। तो इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वोकैबुलरी का। कौन से चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस बुक में आप जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, यहीं पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने। तो चैप्टर नंबर 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर स्पेलिंग टेस्ट, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड ही है काफ़ी हद तक, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी वोकैबुलरी है काफ़ी हद तक, ठीक है। एंड देन देयर इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड इसमें जो चैप्टर 9 है, सॉरी 10th है, एनोलॉजी, एनोलॉजी में भी काफ़ी हद तक आपके वोकैबुलरी के ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपकी इंग्लिश की बात। नेक्स्ट पर आते हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन पर, ठीक है। इसके बारे में भी इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतना सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस लगाना प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनमें अभी के लिए यूट्यूब पर वीडियो सर्च करो, जैसे मान लो कि तुम्हें अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर सर्च करो कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ अल्फाबेटिक टेस्ट, तो वो आपको एक पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करते हैं एंड उनके बेसिस पर आप इजी इजी क्वेश्चन जो अरिहंत में दिए हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लो, उसके बेसिस पर आप बहुत आराम से एग्जाम में क्लियर कर लोगे। आई कैन गारंटी कि जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं, आपके एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं अगर आपसे बुक के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो। अभी कुछ अभी मुझे काफ़ी हद तक टाइम नहीं मिल पा रहा, बट धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँ जो आपके एग्जाम में एक्चुअली आते हैं, और कौन से एक चैप्टर जो है वो आपको छोड़ने हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आपको अपना टाइम सेव करना है, कहते हैं ना कि कौन सी बॉल खेलनी है कौन सी बॉल छोड़नी है ये पता होना चाहिए, तो आपको ये भी बताएंगे हम, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें बिकॉज अभी मेरे भी खुद के एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। बट या अभी के लिए रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन में कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, जिसमें से एक अल्फाबेटिक टेस्ट है, ठीक है, फिर एनोलॉजी टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, डेफिनेटली नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन देयर इज सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ब्लड रिलेशंस है, स्टेटमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट, एसर्शन एंड रीजन, एंड या अभी के लिए इतना पढ़ लेना। एंड बाकी ऐसा नहीं कि जो बात चैप्टर का नाम मैंने लिखी है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए इनसे पढ़ना स्टार्ट करो, आगे चल के मैं और ज़्यादा क्लटर क्लियर करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजनिंग का। एंड उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अगेन याद दिला रहा हूँ कि यार इस वीडियो को पूरा मत समझना, ये एक बहुत ब्रीफ ओवरव्यू है, तो मैं इन सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज इन डिटेल वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा ऐसी वीडियो, बट तुम्हें चैनल पे सब्सक्राइब रहना है, बेल आइकॉन दबा के रखना है, मोटिवेटेड रहो, मैं भी मुझे भी मोटिवेट करूँ कि मैं कंटेंट और बनाऊँ, एंड यस आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या करना है, अगेन क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे पता चलेगा कि क्या नहीं आता है, एंड द मोमेंट यू गेट टू नो कि आपको क्या नहीं आता आपके अंदर वो डर आएगा कि सर पेपर में क्या करूँगा मैं अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे एंड वंस यू बिगिन स्टार्टिंग देयर इज नो वन गोइंग टू स्टॉप यू, राइट, कोई भी नहीं रोकेगा। तो अपने अंदर वो डर लाओ कि सर मुझे तो ये आता ही नहीं है मैं करूँगा क्या एग्जाम में, अगर वो डर आएगा तो आप उस डर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट लॉस कर लेना यार, नंबर सिस्टम कर लेना, एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एंड एचसीएफ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ये प्लीज कवर कर लेना, ठीक है। एंड सिंप्लीफिकेशन अगेन ऑफकोर्स यार, सिंप्लीफिकेशन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ये चीज़ आएगी आएगी। एंड देन देयर इज मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, 17th चैप्टर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इस वीडियो को एज अ रिमाइंडर लेके चलो, इस वीडियो को बार बार आके देख सकते हो, कब चैप्टर कौन सा तुम्हें चाहिए वो देख सकते हो, चाहो तो वीडियो को ऑफलाइन कर लो या कुछ भी कर लो, बट जब भी तुम्हारा ये विजिट करने का मन करे तुम्हें लगे कि सर ने क्या चैप्टर बताया तो वो एक बार आके दोबारा देख सकते हो, या फिर इस वीडियो से नोट्स बना लो ताकि तुम्हें हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो मैथ्स में यार एवरेज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी ट्राई कर लेना, चैप्टर नंबर 11, अभी के लिए ये इतने सारे चैप्टर्स हैं,
बाकी आगे चल के फिर बोल ही रहा हूँ कि अनरेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड जो थोड़े बहुत हाईलाइट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ों के लिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताई हैं चीज़ें, तो मेरे लिए वो रिकलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आप इजिली जाकर वो वीडियो देख सकते हो दोबारा, ठीक है। और रह गई बात सर्विस एप्टीट्यूड का, बहुत छोटा सा सेक्शन है, 3 से 36 पेज नंबर तक है, यानी कि 33 पेजेस है ऑलमोस्ट, आप आसानी से कवर कर सकते हो। स्टोरी स्टोरी रीडिंग जैसा रहेगा, बहुत मज़े से पढ़ना, ठीक है, एंटरटेनमेंट लेना उसको। एंड आज के लिए वीडियो वीडियो के लिए इतना ही रहेगा यार। एंड अरिहंत की बुक से मैं बस यही बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। सबसे बड़ा इसका आसान तरीका है कि जो उसका कंटेंट दिया हुआ है बुक को, उसको पढ़ो, अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसे अंडरलाइन करो, ठीक है। एंड उसके बाद से क्वेश्चंस अपने किसी सीनियर से जाके पूछो कि सर मुझे यहाँ पर अंडरलाइन, मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है इस जगह पर, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड उसके बेसिस पर आप अपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, एंड वंस यू आर डन विद दैट आपका एक एक चैप्टर से क्लियर होता जाएगा, आपकी प्रिपरेशन साउंड होती जाएगी। एंड बीच बीच में एक मॉक टेस्ट लगाते रहो टू सी वेयर यू लाई, ठीक है। एंड जब मॉक टेस्ट लगा रहे तो नोटिस करना है कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए दिक्कत कर रहे हैं, तो अगर वो समझ में आ जाएगा तो यार उन चैप्टर्स पर काम करना स्टार्ट कर देना, एंड इस तरह से आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। एंड रही बात इन सब हर सब्जेक्ट की रिलेटेड वीडियो लाने की, तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी ला रहा हूँ ये सारी वीडियोज़ आपके लिए, बट स्टे ट्यून्ड रहो चैनल पे, एंड सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लो, सॉरी मैं क्या बोले जा रहा हूँ, बट या लाइक द वीडियो, फिर लाइक व्हाट ऑल आई सेड इन दिस वीडियो, एंड कमेंट करो, ठीक है, कि और क्या क्वेश्चन है। अगर पसंद आया मेरा ये एफर्ट, बहुत दिन से ये वीडियो दिमाग में थी, आज ये बना ही थी फाइनली, तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो में बताओ, नीचे बता के बताओ कि सर कैसी लगी वीडियो। एंड या आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, स्टे।